होली की हर्षित बेला पर खुशियां मिले अपार, यश कीर्ति सम्मान मिले और बढ़े सत्कार। आप सभी को होली की सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज मैं बना रही हूँ चटपटे आलू के गुटके भांग की चटनी के साथ। जैसे कि हम सब जानते हैं होली का त्योहार है, गुजिया पापड़ मठरी नमकीन सब तो बन चुके हैं, तो अब बारी है आलू के गुटके बनाने की, वो भी भांग की चटनी के साथ। इसके लिए मैंने तड़का लगाने के लिए लिया हींग, एक चम्मच जखिया। जखिया ये मस्टर्ड सीड की तरह दिखता है और इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। एक चम्मच लिया है जम्बू, ये भी पहाड़ों में मिलता है, और साथ में एक चम्मच लिया है जीरा। हल्दी एक चम्मच, धनिया एक चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, नमक, कश्मीरी मिर्च, हरा धनिया और 8 से 10 आलू उबालकर छिलकर मैंने काट लिए हैं। आइए शुरू करते हैं आलू के गुटके बनाने की। सबसे पहले मैंने एक पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है। ऑयल गर्म होने पर तड़के की सारी सामग्री इसमें डाल लेंगे, जखिया, जीरा, जम्बू और हींग। इन सब चीजों को डालने से आलू के गुटके का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तड़के की सभी सामग्रियां भून चुकी हैं। अब मैं इसमें मिला दूंगी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी मिर्च। अब इन सबको भूनते हुए अब इसमें मिला दूंगी आधा कटोरा पानी। आलू के गुटके बहुत जल्दी झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट। अब मिला देंगे आलू। अब नमक इसमें डाल दूंगी, पूरे फैलाते हुए नमक डाल दूंगी। कुमाऊं में होली के अवसर पर जो घरों में बैठ के होली करवाते हैं, उसमें आलू के गुटके बनाने का अपना एक महत्व है। देखे आपने कितनी जल्दी तैयार हो चुके हैं आलू के गुटके। अब इसमें हरा धनिया डालकर रख देते हैं और तैयारी करेंगे भांग की चटनी बनाने की। भांग की चटनी बनाने के लिए मैंने लिए है 1/2 कटोरा भांग के बीज, जिसे हम हेम्प सीड भी कहते हैं। अधिकतर भांग का नाम सुनते ही हमें लगेगा कि इसे नशा होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि भांग के बीज से किसी भी तरह का नशा नहीं होता है। हाँ, इसकी पत्तियों में जरूर नशे के लिए यूज की जाती है। और साथ में लिए है मैंने 2 चम्मच कद्दू के बीज, ये पीले वाले कद्दू के बीज को धोकर मैंने सुखा लिया था। आपके पास है तो अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1/2 चम्मच नमक, हरा धनिया, 1 टुकड़ा अदरक, हरी मिर्च और नींबू। नींबू की जगह पर मैं चूक का प्रयोग कर रही हूँ। चूक ये पहाड़ों में नींबू का रस या दाड़िम का रस, जो एक तरह का अनार होता है पहाड़ी, उसके रस को पकाकर इसे चूक तैयार किया जाता है। इसको हम फ्रीज के बाहर भी कई सालों तक हम स्टोर कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच डालने पर एक नींबू के रस का ये काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भांग के बीज और कद्दू के बीजों को भून लेंगे। इसे कच्चा ना रखें, अदरवाइज इसमें स्मेल आती है और इसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। भांग के बीज को अच्छे से भूनना बहुत जरूरी है। ये हल्के ब्राउन तो होते ही है, थोड़े से और ज्यादा अच्छे से ब्राउन और इसे चटकने की आवाज आती है। अब देखिए दोनों चीजें हमारी भून चुकी हैं। मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब ठंडा होने पर इसे मिक्सी में पीस लूंगी। सुबह
सब चीजें मिलाते हुए हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक इन सबको मिलाते हुए हम मिक्सी में एक पेस्ट बना लेंगे। पहले बगैर पानी डाले हुए मैं पीसूंगी। अब सब सामान को इसमें जो पीसने के लिए हमने डाला था इसको बीच में करते हुए थोड़ा आधा कटोरा पानी डालूंगी। एक साथ बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। अब देखिए मिक्सी का पेस्ट हो चुका है तैयार। अब इसमें जो चूख जो मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा चूख ना डालें, पहले एक चौथाई चम्मच डालें। अगर आपको खट्टा कम लग रहा है तो इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। अगर आप चूख का यूज कर रहे हैं, अदरवाइज नींबू या अमचूर पाउडर का प्रयोग कर सकते हैं। इसको चूख को मिलाते हुए थोड़ा आधा कटोरा पानी डाला और फिर से हमने मिक्सी में घुमाया एक बार और देखिए चटनी तैयार। इस होली में आप भी बनाएं चटपटे आलू के गुटके भांग की चटनी के साथ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं। प्लीज लाइक और शेयर कीजिए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको पुनः होली के पावन पर्व की शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।